चैप्टर 9 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 9.7 सॉल्व द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले दो तरीके होंगे, मैं दोनों वैदिक मैथ से करना ज्यादा आसान होता है। वैदिक मैथ के थ्रू यदि आप सोल्व करते हो तो ज्यादा आसान होता है, वैसे करोगे तो लंबा हो जाता है। अब मैं वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग इसको सिखाऊंगा, ठीक है। सब बच्चे देखेंगे, दिस इज ए 3 और दिस इज ए 3, तो 3 माइनस 3, अब बीच में प्लस का साइन आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, 9 upon 13 minus 5 upon 13, 3 minus 3 0, और 9 minus 5 4, 4 upon 13, तो आंसर आपका आ गया 4 upon 13। भाई 0 में 4 upon 13 ऐड करोगे 4 upon 13 तो आएगा। अब ये वाला देखिए सब बच्चे, 7 and -2, तो 7 minus 2 कोई प्रॉब्लम इसमें? इसके बाद में साइन कौन सा लगाए, प्लस साइन है, प्लस का साइन, वेरी गुड। 3 upon 11 minus 1 upon 11, 7 minus 2, आप बताओ भैया 7 minus 2, अरे बेटा इसको बोलना तो आप ही बोल देते हो, होशियार बच्चे, क्या होगा, रो क्यों रहे, आंखों में आंसू क्यों आ रहे आपके, 5 plus 3 minus 1, आप बताओ हर्ष, 2, आप बताओ पीछे वाले हर्ष के पीछे, पक्का सही है 3 minus 1, 2 ही होता है 2 upon 11, ओके। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 whole 2 upon 11, ये हमारा आंसर हो गया। कोई समस्या अभी अभी कराएंगे, देखते रहो, वैदिक मैथ के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर आपको दूसरा चीज ध्यान देनी पड़ेगी, कर तो सकते हैं वैदिक मैथ से भी और वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप सीखते रहो, अब लोग क्या एवरीवन 6 minus 3 करेंगे, इसका इम्प्रॉपर करें, वैदिक मैथ से करें दूसरे मैथ से, वैदिक मैथ से करें, बहन आप बताओ कैसे करें, हाँ आप वैदिक मैथ से समझ में आ रहा आपको ये वाला तरीका, और ये बहन आगे बैठी ये वाली, ये सबसे आगे बैठी बहन मेरी, क्या आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, नहीं आया क्यों नहीं आया, देखो ये 6 है ये 3 है, नंबर दिख रहे सही है ये, बताइए व्हाट इज दिस, पक्का अब 6 minus 3 कर सकते हो, तो यहाँ लिख लो 6 minus 3 और ब्रैकेट बना लो। अब हमें क्या करना है, देखो हर जगह हमने क्या कर, प्लस का साइन बनाया, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो राइट हेयर प्लस, तो प्लस का साइन लिखेंगे, फिर आप देखो 1 upon 3 minus 2 upon 9, अब ध्यान से देखो आपको सिखा रहा हूँ अकेली को, फोकस करना, अब ये 3 है ये 9 है, अनलाइक हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो अनलाइक फ्रैक्शन को क्या करेंगे पहले बताओ जी, अनलाइक फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, क्या घर पे पढ़ रहे हो, मम्मी से क्या सीख रहे, कुछ ही सीख रहे ना, यहाँ सीखते ना घर पर, हाँ बताओ, लाइक करेंगे आपसे अच्छा तरीके से, बहन ने बता दिया लाइक करेंगे, कैसे करेंगे लाइक, घोसे मार मार के है, पीट पीट कर, और कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड, अच्छा ऐड भी कर सकते हो, ऊपर नीचे ऐड नहीं कर सकते, हाँ यस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता, मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड होता है, डिवाइड भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसको 3 को 9 बनाना है, तो 3 को 9 बनाने के लिए किससे नंबर से मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे, तो 6 minus 3 और आप 1 multiply 3 और 3 multiply 3, ये लाइक हो गए, देखो आपके लाइक बन गए, ये 3 3 9, ये भी 9, ये भी 9, तो 3 upon 9 minus 2 upon 9, समझ में आ गया, अब 3 minus 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, खड़ोगे बताओ, आप बताओ, 3 minus 2 करेंगे तो जिससे पूछा जाए वो बोला करो, सारे बोल से पता नहीं चलता, 1 upon 9, वेरी गुड, देखो 3 whole 1 upon 9 हमारा आंसर आ जाएगा, वेरी गुड,
अब इसको हमारा प्लस का साइन बीच में हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। थ्री होल, आप बताइए कोई समस्या है? आप किसकी समझ में नहीं आया? जिनकी समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। शिवम की समझ में नहीं आया? और शिवम के बहन बराबर में बैठी, आपको आ गया पक्का? और इधर जो बहन बैठी सबसे इधर गोरी गोरी सी जो बहन है, सुंदर सी बहन, आपके आ गया? आपका नाम दीप्ति है? अच्छा, और ये आगे चश्मे वाली बहन वो दीपिका है, आगे ये बैठी दीपिका, ये दीपिका आप दीप्ति हो, और ये हर्षकौर है, हर्षकौर तो ये ठीक। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को आज हमारे भैया ये करेंगे। आ जाओ जरा यहाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको ही कह रहा हूँ। क्यों फेल हो गए? कबड्डी खेलते खेलते भूल गए? सीमांश से करा ले, आप ही करोगे? आ जाओ सीमांश, ये नहीं बोर्ड पे करना है। मॉनिटर जी आप करोगे? हैं, राइटिंग सही नहीं आती? सीमांश फिर भी बड़ा बड़ा लिख लेता है, तेजी से हाथ चलाएंगे। अच्छा बता दो, मैं लिखूंगा क्या लिखे बताओ। यहाँ खड़ो जाओ, फाइव माइनस टू, यस। अब क्या करें? अब प्लस का साइन लगे, ठीक है, वेरी गुड। यस सेवन अपॉन, जोर से बोलो, सेवन अपॉन एट माइनस वन अपॉन टू, वेरी गुड। अब फाइव माइनस टू करो, क्या आएगा? थ्री। अब क्या करें? प्लस सेवन अपॉन एट माइनस वन अपॉन टू की लिखेंगे। हाँ जी, क्या करेंगे आप बताओ? नहीं, आप बोल गए, अभी बात बताई थी इस वाले क्वेश्चन के अंदर। आप बताओ बहन क्या करेंगे? यहाँ क्या करा था? यहाँ क्या करा इसमें? लाइक फ्रैक्शन करेंगे, लाइक फ्रैक्शन। दिस इज ए एट, दिस इज ए टू, तो लाइक फ्रैक्शन करेंगे। लाइक फ्रैक्शन किससे करेंगे रक्षित भैया? टू मल्टीप्लाई फोर, वेरी गुड। तो हम नीचे टू मल्टीप्लाई फोर और ऊपर क्या करेंगे? वन मल्टीप्लाई। अब ये देखो सर, ये वाला जो मेथड है एलसीएम निकालने का सबसे आसान मेथड है। हो गया एलसीएम, हो गया एलसीएम भी आ गया, जगह भी बच गई, समय भी बचेगा और इंक भी बचेगी कॉपी के अंदर और पेज में बचेगा। और मेन बात सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है टाइम, हमारा टाइम बचे। और जब आप कंपटीशन में, किसी बड़े कंपटीशन में जाएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कर लेंगे फटाफट। जब आप मेरी वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, आपकी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इन वीडियो को देखकर इस क्लास में तो सीखो गई। यही सिलेबस सेम टू सेम सिलेबस फिफ्थ में है, सेम टू सेम सिलेबस फिफ्थ में है। तो आप समझिए, आप फोर्थ क्लास की मैनी टाइम वीडियो देखोगे, जो बच्चे देखते हैं फिर सीखते हैं। यहाँ सीखो, नहीं सीख पा रहे यहाँ घर पर सीखो। अरे घर पे भी तो ऐसे ही पढ़, चाहे कितनी बार भी मेरे से पढ़ लेना, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मेरा तरीका यही है, इससे बदलने का नहीं। और इससे अच्छा तरीका हो तो मुझे सिखाओ, मैं भी सीख लूंगा भाई, मुझे भी सीखने में प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग मेरे से अच्छा तरीका जानते हो, आपके घर पे मम्मी पापा दीदी भैया या जिससे भी आप ट्यूशन पढ़ते हैं वो सिखाते हो, तो भैया मुझे सिखाना, मैं भी सीख लूंगा, ठीक है? हाँ जी, अब थ्री प्लस एट पॉइंट, प्रैक्टिकल वाले भैया रीति का है, मैथ में रीति का बहन, वो फिफ्थ एम है। सेवन अपॉन एट माइनस वन फोर जा फोर, टू फोर जा एट, हो गए लाइक, एट एट हो गए, लाइक हो गए। अब क्या करेंगे? थ्री होल थ्री अपॉन एट, आंसर क्या जाएगा? कोई समस्या? अब ये वाला क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, फिर उसके बाद में आप सब उतारेंगे। चलो अब आप देखो, अब सब बच्चे बोर्ड पे देखो, रक्षित भैया के अकॉर्डिंग कैलेशन ये वाला वैदिक से हो जाएगा? यस हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका समझ लो, लिखने का तरीका समझ लेंगे। 15 अपॉन वन, तो हम इसको क्या करेंगे? 15 मल्टीप्लाई वन अपॉन वन माइनस थ्री होल थ्री अपॉन 13, ऐसे लिख सकते हैं, 15 होल वन अपॉन वन लिख सकते हैं। अब 15 माइनस थ्री कर लो, 15 माइनस
ये प्लस का साइन और ये 1/1 माइनस 3/13 15 - 3 = 12 प्लस अब इसमें क्या करेंगे लाइक कर लीजिए तो 1/1 को क्या लिख सकते 13/13 -3/13 और 13 - 3 10 अब प्लस का साइन हटा दीजिए 12 + 10/13 अब हो गया बेसिक मैथ से बेसिक मैथ से समझ में आ गया। अब इसको इम्प्रॉपर तरीके से बाद में सिखाऊंगा, पहला भी उतार दू। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, अभी मैं लिखे हुए हैं सब समझा दूंगा। किसी को कोई समस्या तो बताओ, सबकी समझ में आ गया। सर ये जो 3 बन जाए 3 तो सही है, 3 नहीं आया बेटा। 3 बन जाए 3 लिखा तो है, 3 3 जा 9 आया था, 1 3 जा 3 लिख दो, 3 3 जा 9 आ तो गया बेटा। लुक एवरीवन, एक तो बेसिक मेथड वैदिक गणित से सिखाया, दूसरे मेथड इससे आसान है। वैदिक मैथ की तुलना में ये वाला जो मैं सिखाऊंगा ये आसान है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। जब यहाँ पर सिंगल हो और इसके नीचे न्यूमरेटर तो है, डेनोमिनेटर नहीं है, तो 1 लगा लेंगे। 7 के 11 से मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट 7 के 11 से मल्टीप्लाई करो, 77 और 77 -3/7 डेनोमिनेटर 7 ही रहेगा। अब बताइए 77 माइनस 3 74/7 हमारा यही आंसर है। अब इसको मिक्स में चेंज कर सकते हैं, मिक्स में चेंज कर सकते हैं तो 7 बन जाए 7 और 7 0 जाए 0 10 होल 4/7 हमारा आंसर आ गया भाई। 7 10 जा 70 और 70 10 होल 4/7 ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर आ गया। ये इससे आसान तरीका होगा उस वाले से, ये वाला कोई सा भी आप ऐसे करें, जो भी पेपर में करना चाहें उस तरीके से आप करेंगे, आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। ठीक है,